भाई मुझे तो पता ही नहीं था ग्रीन आता भी है। ये लो भाई, भाई को पता ही नहीं है। सही बात है। सो गाइस हमारे पास में V3 आई हुई है रेवाड़ी हरियाणा से, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल ही ये भी स्टॉक है। तो अब देखना ये बाइक। सो गाइस अभी तक की जो आप वीडियो देख रहे थे वो सिर्फ मेरी बाइक के ऊपर वीडियो थी, यानी कि R15 V3 के ऊपर। तो आज का कंटेंट बिल्कुल ही अलग होने वाला है। तो आज मेरे दोस्त के मेरे स्कूल दोस्त है, क्या नाम है भाई, नाम बता दो। मेरा नाम अजय है दोस्तों। तो अजय भाई और उनके साथ में ये भाई आए हुए हैं, कहाँ से आए? बदरपुर से। हम बदरपुर से आ रहे हैं फरीदाबाद। इनको रोजाना मैं टोला देता रहता हूँ भाई, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। तो कितने दिन बाद में आए भाई? आज हम कम से कम 3 हफ्तों के बाद आए। 3 हफ्तों के बाद में आए भाई, ये लगा लो मतलब जो काम करेंगे ना भाई बिल्कुल तसल्ली से करेंगे। इसलिए टाइम देकर ही बोला कि भाई इस दिन आ जाना तो मैं फ्री होऊंगा। तो फ्री होने के बाद में क्या होगा, अच्छे से काम हो जाएगा, जो चीज लगवाने हैं वो चीज़ वो लग जाएगी। आप बताइए ना क्या लगवाना है। हम यहाँ पे एक तो LED लाइट लगवाने आए हैं। LED लाइट जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला था कि आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा मैं आप लोगों को, जो हेडलाइट के अंदर DRS लगते हैं सेम हम इस बाइक के अंदर लगाने वाले हैं। और लगने के बाद में भाई एकदम अल्टीमेट लुक हो जाएगा ना। ये जो देखिए ना, आपने जितनी भी वीडियो देखी है तो आपने चेन्नई साइड की देखी होगी, और आज आपका भाई टेक्नो है बाइक में लगा के दिखाएगा, और जो आप भी खुद लगवा सकते हो। किसी भी भाई को कोई भी कंफ्यूजन हो तो गाइस कमेंट करके पूछ लेना या व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं टेक्नो फैन हमारा आगे भाई भाई राहुल, फॉलो कर लेना भाई। भाई वीडियोस वगैरह डालते रहेंगे, अपडेट मिलती रहेगी। तो फटाफट करते हैं हम इसके अंदर काम, जो DRL पे DRS लगाएंगे तो उसके बाद में ग्राफिक्स लगाएंगे। हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आपने पहले वाली वीडियोस में देखा था मैंने इसके अंदर DRLs लगाई थी, आईब्रोज लगाई थी। अब मेरे पास में ये मेरे दोस्त की बाइक है, तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इस तरीके से DRLs लगाएंगे जिसमें आपको गाइज काफ़ी अल्टीमेट जो लुक है देखने के लिए मिलेगा। क्या करेंगे, इसकी पार्किंग बंद कर देंगे और जो इसकी लो बीम होती है उसको भी बंद करके हम स्विच से डायरेक्ट दे देंगे। तो आप देख पा रहे हो, अब इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा आगे का सिस्टम खोलना पड़ेगा जिस तरीके से हमने अपनी बाइक के अंदर लगाया था। जिस भाई ने वीडियोस नहीं देखी तो साइड में आई बटन पर जाके चेकआउट कर लेना वाली वीडियोस भी, और फटाफट खोलते हैं। क्यों भाई अजय? बिल्कुल ना भाई। और गाइज अपना स्टोर है करोल बाग के अंदर, कोई भाई आकर के लगवाना चाहता है तो हमारे स्टोर पर आकर लगवा सकता। तो करते हैं फटाफट इस काम को पूरा। सो गाइज इसका जो सब कुछ स्क्रू वगैरह निकाल दिए, अब देखो आप लोगों को समझाता हूँ। ऊपर का जो पैनल था वो हमने खोला, खोलने के बाद में ये वाले स्क्रू होते हैं, ऊपर के दोनों स्क्रू खोल देने हैं। उसके बाद में जब आप देखोगे अंदर की तरफ दो स्क्रू होंगे लेफ्ट और राइट में, और जो इसका कपलर है सॉकेट है ये भी निकल जाएगा। तो अब इसको बाहर निकालते हैं पूरे के पूरे। तो ये निकल चुका है। हाँ जी, अपनी बाइक को पहली बार ऐसा देख रहे तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई की तो दिल के धड़कने हार्ड हो गई है, बहुत हार्ड बहुत भाई की सांस अटकी हुई है। तो गाइज ये देखो पूरा का पूरा निकल गया, जैसे कि हमने आईब्रोज लगाई थी। अब क्या करेंगे, ये पूरी लाइट को बाहर निकालने के बाद में हॉट गन से जो होगा पूरी लाइट को बाहर निकाल देंगे, फिर उसके बाद में अंदर जो इसके लगेगा वो DRLs। और बाइक देखो पहले की तरह हो गई ये जो थी। तो गाइज इसकी जो हेडलाइट है, हेडलाइट हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, हॉट गन से इसको साइडों से हटा देंगे, जैसे कि आपने पहले वाली वीडियोस में देखा होगा मेरे, जैसे मैंने R15 में, एक्टिवा में, एवियो में, जैसे हमने उनमें करा था, अब इसी तरीके से इस वाली लाइट में होगा गाइज। और पूरी प्रॉपर हम इसके अंदर जो ग्लू है वो अच्छे से लगा देंगे, जिससे क्या होगा ये अच्छे से सील्ड हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में तो गाइज पानी जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ने वाले। पूरा जिस तरीके से सील्ड है वैसे ही हम इसको सील्ड कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम आपको अंदर से देखने के लिए मिल रही है आपकी जो R15 V3 की लाइट है वो कुछ इस तरीके से होती है गाइस। छोटी छोटी LEDs लगी रहती है जिसने देख लो गाइस जो आपकी बाइक को इतनी रोशनी देती है। सिर्फ इसमें एक लगी हुई, इसमें एक लगी हुई, इसमें एक, 4 LEDs हैं, और बाकी यहाँ पे DRLs के लिए एक छोटी सी LEDs है। अब क्या करेंगे, इसी के अंदर हम तो इस ग्लास के अंदर हम लगाएंगे जो की होती है अलग अलग डिजाइन से, एक ऊपर से नीचे आती है, एक पूरी फ्लैट आती है। अब देखते हैं बाइक को कौन सी पसंद आती है। तो गाइस इसके अंदर हमने DRL से वो लगा दिए, जैसे कि आप लोगों को पता है फेविक्विक है, फेविक्विक एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इन चीज़ों को लगाने के लिए। और देख पा रहे हो गाइस इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके के पैटर्न में लगाए हैं, और देखो इसके अंदर कुछ इस तरीके से हो गए। अब क्या करते हैं, फिट करते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि किस पैटर्न के अंदर आप इसके अंदर DRL से वो लगा सकते हो। एक येलो पैटर्न होता है, एक दूसरा पैटर्न भी आपको दिखाता हूँ।
गाइस अपने DRL से इसके अंदर लग चुकी है, इसके अंदर हमने लगाई है ग्रीन कलर की, क्योंकि इसके बाद में जो रैपिंग होगी वो वैलेंटिनो रॉसी टाइप होगी। और आप इसकी एक बार ये फिटिंग चेकआउट कर लो गाइस, जो कंपनी की फिटिंग थी सेम फिटिंग वही है ये, अब लगाते इसको बाइक के अंदर। सो गाइस इसके अंदर जो प्रॉपर फिटिंग है, DRL लग गया, इसका जो पूरे का आगे का हेड है, तो अब चला के देखते हैं जलने के बाद में किस तरीके से लुक आएगा। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो DRL है इसके अंदर हमने ग्रीन कलर के लगाया, जो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है, इससे पहले आपने ग्रीन कलर के DRLs नहीं देखे होंगे। और एक और चीज़ जो इसका जो आपको पैटर्न्स है, पैटर्न्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से DRL स्टार्ट होता है, यहाँ पर जाता है, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, ठीक है। एक पैटर्न तो ये होता है, और एक दूसरा ये होता है, यहाँ से पूरा यहाँ से ये हो गया दूसरा, अब ये देखो तीसरा ये ऐसे इस तरीके से। तो तीन पैटर्न आप इसमें बनवा सकते हो। तो चला के दिखाता हूँ आप लोगों को जो ग्रीन वाला जो इसके अंदर DRL है वो किस तरीके से नजर आता है। एक दो तीन, ये देखो भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा इसके अंदर जो ग्रीन कलर का DRL है वो लग रहा है। एक बार आप चेकआउट कर लो गाइस, मतलब पूरा जो हेडलाइट है आपका अंदर से ग्रीन हो गया। सपोज करो रेड होता तो रेड, व्हाइट होता तो व्हाइट, ब्लू होता तो ब्लू, ये सारे कलर हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। और एक बार चेकआउट कर लो गाइस, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक है इसके अंदर आ रहा है। और रात में देखोगे तो और रात की तो बात ही कुछ इसके अंदर अलग आने वाली है। पहली वीडियो में आपने देखा आईब्रोज वाली जो DRL से हमने लगाई थी, जो कि लगती है इस वाइजर के ऊपर। सेकंड आती है आपकी हेडलाइट के अंदर वाली, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये हो चुका है। और गाइस कमेंट करके बताइए फर्स्ट या सेकंड वाला आप लोगों को दोनों में से कौन सा जो लुक है अच्छा लग रहा है। कस्टमर रिव्यू लिया जाए भाई लोग, हाँ जी हमें तो दोनों मस्त लग रहे हैं एकदम। हाँ जी भाई दोनों मस्त, भाई दोनों मस्त। ग्रीन वाला भी है, रेड वाला भी। फर्स्ट टाइम देखा है ना भाई ने, तो देखो अपनी टी शर्ट से मिलके लगाया, वाह गलत बात है, ये बंदा ब्लू की सपोर्ट में था। है भाई अब कैसा लग रहा है तेरे को भाई? एक नंबर का। पहले तो बोले थे ब्लू लगाओ है, ग्रीन अच्छा लग रहा है। ग्रीन अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो पता ही नहीं था ग्रीन आता भी है। ये लो भाई, भाई को पता ही नहीं है, सही बात है। बिल्कुल भाई ने जब देखा ना ब्लू ग्रीन कलर का, तो भाई ने बोला ग्रीन लगाओ। अब तो भाई साहब कुछ भी हो जाए तो ग्रीन का लुक चेकआउट कर लो भाई आप लोग, बहुत ही ज्यादा प्यारा जो लग रहा है इसके अंदर। रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट सब कलर अवेलेबल है @technokhanstore.com पर। तो गाइस देखा आप लोगों ने मैंने इसके अंदर किस तरीके से DRL लगाए, मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने मिलकर काम करा है भाई। बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है, तसल्ली से होता है, क्यों मुझे मजा आ गया ना। और गाइस होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सचिन देन बाय। अगर किसी भाई को ये प्रोडक्ट बाय करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी हमारे स्टोर पे भी आके आप ये काम करवा सकते हो तसल्ली पूर्वक, है ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सचिन देन।